पिछले पीरियड में हमने विभिन्न त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात के मान को थीटा के रूप में व्यक्त किया था और चारों पादों में त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्हों के विषय में भी हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज इस पीरियड में उसी से संबंधित अभ्यास प्रश्नवली के प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, सेक -1305 डिग्री, सेक -1305 डिग्री। देखिए यहां पर ये कोण का मान बहुत बड़ा दिया हुआ है। हम त्रिकोणमिति कोणों के अनुपातों का उपयोग करके हम इस मान को छोटे कोण के रूप में लिख सकेंगे और उसका मान बहुत ही आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकेंगे। तो हम जानते हैं sec माइनस थीटा का मान sec थीटा होता है, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये चतुर्थ पाद में आता है। तो यहां पर sec माइनस थीटा, इसको हम थीटा ले लेते हैं, तो इसका मान क्या मिलेगा, sec 1305 अंश मिल गया। अब 1305 अंश को 3 × 360 प्लस 225 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 360 धन 225 अंश के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब पुनः देखिए, sec n इंटू 360 प्लस थीटा के रूप में ये मिल गया। तो हम जानते हैं कि sec n इंटू 360 प्लस थीटा का मान होता है sec थीटा। तो यहां से पुनः हम sec 225 अंश में आ गए और उसके पश्चात sec 225 को हम लिख सकते हैं 180 धन 45 अंश, 180 अंश धन 45 अंश। अब हम देखेंगे कि 180 प्लस थीटा ये तृतीय पाद में आता है और तृतीय पाद में sec 180 प्लस थीटा का मान होता है माइनस sec थीटा। इस आधार पर ये माइनस sec 45 अंश हो गया, डिग्री हो गया, और sec 45 अंश का मान होता है √2, तो ये आपको मिलेंगे माइनस √2, यही हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं इस तरीके से जो बड़े कोण के मान को हम बहुत आसानी से छोटे कोण के मान में लिखते लिखते हम उसके मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से छोटा प्रश्न और देखिए, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, साइन माइनस 30 अंश। तो हम जानते हैं साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, चतुर्थ पाद में आता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसका मान हो जाएगा माइनस साइन 30 और 30 का मान होता है 1/2, तो माइनस 1/2, बहुत आसान से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, कॉस 150 अंश, कॉस 150 अंश, 150 अंश को हम 180 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कॉस 180 माइनस 30। तो ये 180 माइनस 30 जो
कोण आएगा 180 माइनस थीटा कोण, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा और द्वितीय चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू जो होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉस 30 डिग्री हो गया और कॉस 30 का मान मिलता है रूट थ्री बाई टू, तो वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री बाई टू। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में, अभ्यास के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा से कोण के मान को हम बढ़ा लेने का प्रयास करते हैं और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। कॉस 1410 अंश, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, इस कॉस 1410 अंश को हम 4 × 360 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं। 1410 अंश को 4 × 360 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखेंगे 4n × 360 माइनस 30, तो ये कॉस जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर मिलेंगे चतुर्थ पाद में कॉस 30 डिग्री मिलेंगे और कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बाई टू। अब कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जिसका मान सीधा सीधा टेबल से नहीं निकलेगा, लेकिन हम उसके न्यूनतम धनात्मक कोण के रूप में लिख सकते हैं। तो धनात्मक न्यूनतम कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पद में लिखना है, धनात्मक। अगला प्रश्न है, धनात्मक न्यून कोणों के त्रिकोणमिति, धनात्मक न्यून कोणों के त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में लिखी है, अनुपात में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है, साइन माइनस 65 अंश। तो देखिए, 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। सबसे पहले हम साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा माइनस 65, और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25, तो ये हो जाएंगे साइन 90 माइनस 25, और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस 25 डिग्री, यही इसका धनात्मक न्यून कोण के रूप में हम लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार से इसी में दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, टेन माइनस 246 अंश, टेन माइनस 246 अंश। तो टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, इसका उपयोग करते हैं तो ये मिलता है टेन 246 अंश मिलता है। अब 246 अंश को हम लिख सकते हैं 270 माइनस 24, तो ये लिख लेंगे माइनस टेन 270 माइनस 24 अंश। अब पुनः देखिए, टेन 270 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, तो ये होता है प्लस कॉट थीटा, तो ये कॉट 24, चूंकि माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉट 24 अंश इसका आंसर मिलेगा। इसी के अगले अभ्यास के क्रम में हम लेते हैं, साइन 1190 अंश, साइन 1190 अंश। देखिए, साइन 1190 को लिख सकते हैं, 1190 अंश को 1080 प्लस 110 लिख सकते हैं, साइन 1080 प्लस 110 आंसर लिखेंगे। पुनः 1080 को 3 × 360 लिख सकते हैं, 3 × 360 360 प्लस 110 डिग्री। अब देखिए, साइन 360 प्लस थीटा का मान कितना होता है, प्लस साइन थीटा होता है,
तो ये हो जाएगा आपका साइन 110 अंश। अब साइन 110 अंश को पुनः लिख सकते हैं साइन 90 + 20 डिग्री, 90 + 20 20 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 20। इस प्रकार से हम धनात्मक न्यून कोणों के अनुपात के रूप में दिए गए अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को हम लिख सकते हैं। अगले क्रम में देखते हैं, कुछ सर्वसमिका लेते हैं जो इसी पर आधारित होगा। सर्वसमिका देखिए, सिद्ध कीजिए कि कॉस, पहला प्रश्न है कॉस 27 डिग्री प्लस 10 × 10 27 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री 10 63 डिग्री सॉरी, और अंतिम में लास्ट टर्म्स है कोसेक 63 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रश्न देखिए, कॉस 27 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इंटू कोसेक 63 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको हल करने के लिए इस सर्वसमिका का हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष इज इक्वल टू कॉस 27 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इंटू कोसेक 63 डिग्री। अब देखिए, इसमें से चार पद है, उसमें से चाहे हम 27 कोण के मान को परिवर्तन करें या 63 एंगल को परिवर्तन करें, तो हम 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, कॉस 27 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री, और 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, तो 10 90 माइनस 27 इंटू इसी प्रकार से कोसेक को भी 90 माइनस 27 डिग्री के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं, इसको एज इट इज रहने दीजिए, कॉस 27 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉट थीटा, तो ये मिल जाएंगे आपको कॉट 27 डिग्री, और कोसेक 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक, होता है सेक 27 डिग्री। पुनः देखिए, कॉस 27 डिग्री 10 27 डिग्री, और हम कॉट को लिख सकते हैं इनवर्स फार्मूला में 10 1/10 27 डिग्री, ठीक इसी प्रकार को सेक को लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री, तो कॉस 27 कॉट कॉस 27 के साथ 10 27 10 20 साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपको ये 1 मिलेगा, और यही आपका दायां पक्ष है। इसी प्रकार से अगले कुछ और उस पर देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। टेन नाइन्टी प्लस थीटा इंटू कोसेक 180 + थीटा इंटू कोसेक 180 + थीटा अपॉन कॉट 180 + थीटा कॉट 180 + थीटा इंटू सेक माइनस थीटा सॉरी कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है -1। इसको प्रूफ करने के लिए इसका दायां पक्ष सॉरी बायां पक्ष लेना ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर केवल -1 प्रूफ करना है, इसलिए इसका बायां पक्ष लेते हैं।
tan 90 plus theta into cosec 180 plus theta upon cot 180 plus theta into cosec माइनस थीटा। सभी कोणों के मान को थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे। तो टेन 90 प्लस थीटा का मान होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय पाद में है, तो इसका मान माइनस कॉट थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा है, इसका मान होता है माइनस कोसेक थीटा, तृतीय पाद में आएंगे, इंटू माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉट 180 प्लस थीटा, ये तृतीय पाद में है, तो इसका मान होता है प्लस कॉट थीटा। और कोसेक माइनस थीटा होता है चतुर्थ पाद में है, तो इसका मान माइनस कोसेक थीटा हो जाता है, इंटू माइनस कोसेक थीटा। तो हम देखते हैं कॉट से कॉट कैंसिल, कोसेक से कोसेक कैंसिल, और फिर माइनस वन इंटू माइनस वन अपान माइनस वन, इसका मान हो जाएगा माइनस वन, और यही हमारा दायां पक्ष है। इसी प्रकार से कुछ और अभ्यास के प्रश्नों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साइन 135 माइनस कॉस 120 प्रश्न है। साइन 135 अंश माइनस कॉस 120 अंश अपान कॉस 135 सॉरी साइन 135 प्लस कॉस 120 अपान साइन 135 प्लस कॉस 120 अंश, इस इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 3 इंटू 2 टू प्रूफ करना है। एक बार प्रश्न और देख लीजिए। साइन 135 अंश माइनस कॉस 120 अंश अपान साइन 135 अंश प्लस कॉस 120 अंश। इसको भी प्रूफ करने के लिए इस सर्व समीका का या त्रिकोणमिति फलन का बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन 135 अंश माइनस कॉस 120 अंश अपान साइन 135 अंश प्लस कॉस 120 अंश। देखिए 135 अंश को लिख सकते हैं 90 प्लस 45 और 120 अंश को लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो यहाँ पर 135 को साइन 90 प्लस 45 अंश के रूप में लिख सकते हैं माइनस कॉस 90 प्लस 30 के रूप में इसको लिख सकते हैं अपान साइन 90 प्लस 45 डिग्री के रूप में लिख लीजिए प्लस कॉस 90 प्लस 30 के कोण के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात देखिए साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएंगे कॉस 45, कॉस 45 अंश हो गया, और माइनस कॉस 90 प्लस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 30 अंश लिखेंगे अपान पुनः साइन 90 प्लस 45 का मान जो होता है वो कॉस होता है, तो इसका मान होगा कॉस 45 और कॉस 90 प्लस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, साइन 30 हो जाएंगे। पुनः देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पर और देखते हैं बटे में कॉस 45 का मान 1/√2 और प्लस का सॉरी माइनस 1/2 हो जाता है। इसी के अगले पद को ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहे हैं। बायां पक्ष को देखिए इसको हल करते हैं तो आपको मिलेगा 2√√2 प्लस, देखिए यहां पर इसका एलसीएम लेंगे ऊपर का, तो ये हमको प्राप्त होगा 2।
टू प्राप्त होगा कैल्शियम, और ये मिल जाएंगे रूट टू बचेंगे रूट टू प्लस वन अपान, इसी प्रकार से रूट टू माइनस वन अपान टू। फिर हल करते हैं इसको, तो रूट टू प्लस वन बाई टू इंटू कर देते हैं सॉरी यहाँ पर एलसीएम टू आएगा, टू और अपान रूट टू माइनस वन, टू टू कैंसिल हो जाएंगे, ये मिलेंगे आपको रूट टू प्लस वन अपान रूट टू माइनस वन। इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो ये मिल जाएंगे रूट टू प्लस वन अपान रूट टू प्लस वन, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे रूट टू प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो मिलेंगे टू का रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, वन के स्क्वायर वन हो जाएंगे, टू इंटू रूट टू मिलेंगे अपान ए प्लस बी ए माइनस बी अर्थात रूट टू के स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर, तो टू माइनस वन मिलेंगे। पुनः देखिए ये थ्री मिले, थ्री प्लस टू रूट टू अपान वन, इसको लिख सकते हैं थ्री प्लस टू रूट टू बाय वन को नहीं लिखते हैं, और यही हमारा सलूशन है, राइट हैंड साइड है। इस तरीके से बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि विभिन्न त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात को हम सरलतम कोण के रूप में व्यक्त करके और उसका मान को निकाल करके आसानी से हम लिख सकते हैं। इसके अगले क्रम में कुछ और अभ्यास के प्रश्नों को हम देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है सिद्ध करने का, tan 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा अपान कॉस 270 माइनस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा और इंटू कॉट 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमको वन प्रूफ करना है। तो देखेंगे इसको हल करने के लिए इस सरसमिका का हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष लिख देते हैं tan 90 प्लस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा अपान cos 270 माइनस थीटा इंटू cos 180 माइनस थीटा इंटू कॉट 360 माइनस थीटा के रूप में, इसको जैसे तैसे लिखिए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा इंटू ग्रुप में, इसलिए छोटा ब्रैकेट इसमें डालेंगे। साइन 180 प्लस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, और साइन 270 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस थीटा अपान कॉस 270 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे तो ये लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा।
माइनस कॉस थीटा और कॉट 360 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा का रूप लिखेंगे तो ये माइनस कॉट थीटा वैल्यू मिलता है माइनस कॉट थीटा, सबको उसके थीटा के कोण के अनुपात के रूप में लिख लिए हैं। अब देखिए तीन बार ऊपर में ऋण चिन्ह है, तीन बार नीचे में ऋण चिन्ह है, तो सारे ऋण चिन्ह कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। और देखिए यहां पर ये कॉट इस कॉट से कैंसिल हो जाएगा, साइन इस साइन से, कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको वन मिलेगा। कितने आसानी से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, यही हमारा दायां पक्ष है। एक और अभ्यास के प्रश्न लेते हैं। उसके पश्चात हम अगले टॉपिक पर प्रवेश करेंगे, त्रिकोणमिति कोणों की योग और व्यवकलन फार्मूला पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, योग सूत्र पर हम चर्चा करेंगे, उसके पश्चात व्यवकलन सूत्र पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है, सरसमी का ये त्रिकोणमिति फलन है, साइन 660 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री और इंटू कॉस 120 डिग्री बराबर माइनस वन। इसको प्रूफ करने के लिए, वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसका, इस त्रिकोणमिति फलन का बाएं पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष इज इक्वल टू साइन 660 अंश इंटू कॉस 330 अंश धन साइन 150 अंश इंटू कॉस 120 अंश। अब देखिए कैसे इसको परिवर्तन कर सकते हैं। 660 अंश को 2 × 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे साइन 2 × 360, ये हो जाएंगे 720, इसमें घटा देंगे 60 तो आपको मिल जाएंगे 660 माइनस 30, सॉरी 60 लिखेंगे 60 डिग्री। इसी प्रकार से कॉस 330 को 360 माइनस 30 लिखते हैं तो ये कॉस 360 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं, और साइन 150 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं, और कॉस 120 को 90 माइनस तो प्लस 30 के रूप में हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 120 को आप 90 प्लस 30 के रूप में भी लिख सकते हैं या 180 माइनस 60 के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। फिर देखिए ये साइन 2 × 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएंगे आपका माइनस साइन थीटा हो जाएंगे, माइनस साइन 60 हो गया, और कॉस 360 माइनस थीटा होता, देखिए ये चतुर्थ पाद में होंगे, प्लस कॉस मिलेंगे, कॉस 30 डिग्री मिल जाएंगे, और साइन 180 माइनस थीटा होता है ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो इसका मान भी साइन 30 मिलेंगे, और यहाँ पर मिल रहा है कॉस 90 प्लस थीटा होता है तो ये माइनस के रूप में मिलेंगे साइन 30 मिलेंगे, साइन 30 मिलेंगे। पुनः आगे देखते हैं, साइन 60 का मान आसानी से आप √3/2, कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान भी हम √3/2 इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 30 का मान यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे 1/2, माइनस को यहाँ ऑपरेट कर लीजिए 1/2, तो आपको मिलेंगे −3/4 −1/4 अर्थात −4/4 = 1, यही हमारा दायां पक्ष है। तो इस तरीके से बहुत ही सरलतम ढंग से हम
त्रिकोणमिति अनुपात को परिवर्तित करके, उसके बड़े कोण को छोटे कोण के रूप में परिवर्तित करके, धनात्मक कोण के रूप में परिवर्तित करके, उसके मान को रख के आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं योग सूत्र पर। इसका अगला विषय वस्तु है त्रिकोणमिति को कोण है, उसके योग सूत्र कौन कौन से हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, इनका मान कितना होगा और कैसे ज्ञात करते हैं, इस विषय वस्तु के विषय में हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसको ज्ञात भी करेंगे। तो एक काम करते हैं इस सूत्र का योग फार्मूला ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले योग फार्मूला हम ज्ञात करते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो योग फार्मूला होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम सत्यापित करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि कोई एक परिक्रामी रेखा, यहाँ पर देखिए ये मूल बिंदु है, एक परिक्रामी रेखा, ये ओ ए की डायरेक्शन में है, ओ ए एक परिक्रामी रेखा, वो घूम के सबसे पहले धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मूव करके धनात्मक दिशा में एक कोण बनाता है। देखिए ये एक कोण बनाता है, और ये कहने का मतलब कोण बी ओ ए ए हुआ। उसके पश्चात पुनः इसी स्थिति से ये धनात्मक दिशा में बी कोण का निर्माण करता है, कोण बी का निर्माण करता है, यहीं से कोण बी का निर्माण करता है, और वो इस स्थिति में आके सी अर्थात सी पर रुक जाता है, ओ सी पर रुक जाता है। तो यहाँ से उसके प्रारंभिक स्थिति से ये कोण कितना बना, ए प्लस बी कोण बना। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में जो रोटेशन हुआ, घूर्णन हुआ, वो ए प्लस बी कोण का निर्माण किया। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, ओसी रेखा पर हम कोई बिंदु पी लेते हैं। यहाँ पर हम कोई बिंदु पी लिए, बिंदु पी लिए, और बिंदु पी से क्या करते हैं, ओ ए रेखा पर पी एम एक लंब डालते हैं। ये पी एम एक लंब डाले, और इसी प्रकार से बिंदु पी से ओ बी रेखा पर एक दूसरा पी एन लंब डालते हैं। देखिए ये 90 डिग्री का लंब डाला हुआ है ना, थोड़ा सा इसको और ये लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिए, कौन सा नाम दिए इसको, इसको पी एम कहे और इसको कहे पी एन, एक लंब डाल दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करने से क्या करते हैं कि हम एन बिंदु से पी एम पर एक लंब और डालते हैं, ये एन आर एक लंब डाल दिए, एन आर एक लंब डाल दिए, तथा बिंदु एन से ओ ए पर एक और लंब डालते हैं, एन क्यू लंब डाल दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया। एक परिक्रामी रेखा ओपी जो है अपने प्रारंभिक स्थिति ओए पर था, एक कोण धनात्मक दिशा में एक कोण घूमकर ओबी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, और उस स्थिति से बी कोण घूमकर वो ओ स्थिति ओसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ओसी पर कोई बिंदु पी लेते हैं, वहां से बिंदु पी से ओए पर पी एम लंब डालते हैं, तथा बिंदु पी से ओबी पर पी एन लंब डालते हैं, और बिंदु एन से पी एम पर आर एन लंब डालते हैं, तथा बिंदु एन से ही ओ ए पर एन क्यू लंब हम डाल देते हैं। इसके पश्चात देखिए थोड़ा कोणों के विषय में चर्चा करें। देखिए ये जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ये कोण ए हुआ, ध्यान देंगे कोण ए मतलब आर एन ओ कोण ए बना। क्यों बना, क्योंकि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए इस कोण का मान को क्या लिख सकते हैं, ये 90 माइनस ये वाला कोण होगा, मतलब पी एन आर होगा, 90 माइनस पी एन आर। अब इस त्रिभुज पर आ जाइए, ये कोण हुआ 90 माइनस पी ए आर और ये 90 हुआ, तो निश्चित रूप से ये कोण आपको ए होगा, निश्चित रूप से ये कोण क्या होगा, ए होगा। तो ध्यान दीजिएगे ये कोण ये हुआ, मतलब ये कोण जहां था वो ये कोण यहां पर स्टैंगल प्राप्त हो गया। तो चलिए इस विषय पर और चर्चा कर लेते हैं। यह स्टार्ट करते हैं कि कोण एन, इसी कोण पर विचार करें, ये ए कैसे होगा, एन पी आर, एन पी आर।
इस कोण पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये कोण कितना होगा? ये कोण निश्चित रूप से ये देखिए ये 90 का है, लम डाला है, तो इस कोण का मान जो होगा 90 माइनस पी एन आर होगा, 90 माइनस पी कोण पी एन आर होगा निश्चित तौर पे। अब देखिए 90 माइनस पी एन आर क्या होता है, आपको ये देखिए ये भी छोटा कोण 90 माइनस पी एन आर है, इसको लिख सकते हैं आर एन ओ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोण आर एन ओ, और आर एन ओ जो लिख रहे हैं ये कोण इसके बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी ओ ए कोण लिख सकते हैं, या एन ओ क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कोण एन ओ क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और यही कोण ए हुआ। कहने का तात्पर्य ये कोण एन पी आर का मान ए हो गया, बस इतना ही सारा है इसमें। उल्टे दिशा में जाएंगे तो भी ये समझ में आता है। अब देखते हैं इसके एडिशन फार्मूला पर, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब ये कंप्लीट कोण का मान, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल लेंगे इस ट्रायंगल लेंगे जिसमें कंप्लीट ए प्लस बी कोण बनता हो, अर्थात त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, तो इसका मान होगा इसको लिख सकते हैं कि साइन कोण के मान को भी लिख दीजिए, साइन ए प्लस बी का मान लिख दीजिए ए ओ सी, ए ओ सी। फिर देखिए अब साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है आपका पी एम है, पी एम, और कर्ण है आपका ओ पी। पी एम को दो पार्ट में बांट लीजिए, देखिए यहां से आप पी एम, तो पी एम को लिख सकते हैं पी आर प्लस आर एम, पी आर प्लस पी आर प्लस आर एम के रूप में लिख सकते हैं अपान ओ पी। बट आप देख रहे हैं कि आर एम का मान कितना है, एन क्यू है, आर एन का मान एन क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर एन का मान को पी आर और आर एन के मान को एन क्यू लिख सकते हैं, एन क्यू अपान ओ पी। इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पी आर अपान ओ पी और प्लस एन क्यू अपान ओ पी, अलग अलग दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके में क्या करते हैं कि एन पी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब हर और अंश दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, पी आर अपान एन पी एक बार गुणा किए नीचे, दूसरी बार ऊपर गुणा किए, एन पी अपान ओ पी। इसी प्रकार से यही काम हम ओ एन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देते हैं, एन क्यू अपान ओ आर का मल्टीप्लिकेशन, ओ एन का सॉरी, ओ एन ऊपर नीचे गुणा किए, ओ एन ऊपर गुणा किए ओ पी। इसका फायदा क्या होगा अभी अगले स्टेज में आपको समझ आएगा, और इस समीकरण का भी इसके मान पर कोई अंतर नहीं आएंगे क्योंकि जितना हमने गुणा किया उतना हमने भाग दिया। अब देखें साइन ए प्लस बी का मान पी आर अपान एन पी, ये ट्रायंगल पे देखिए, इस ट्रायंगल पर क्या है, ये कॉस ए है, ए कोण बन रहा है, कॉस ए बन रहा है, तो इसका मान हो जाएंगे कॉस ए आधार बटे कर्ण। दूसरा आपका एन पी इंटू एन पी अपान ओ पी, एन पी कितना है, ये एन पी अपान ओ पी, ये लंब आपने डाला है एन पी अपान ओ पी, तो ये हो जाएगा साइन बी, लंब बटे कर्ण साइन बी, बी कोण आ गया। इसी प्रकार से एन क्यू, ये एन क्यू अपान ओ एन, एन क्यू अपान ओ एन, अर्थात आपका ये क्या हुआ, एन क्यू क्या चीज चाहिए, एन क्यू अपान ओ एन, ये हो गया आपका कॉस ए। यहां पर आइए एन क्यू ओ एन, एन क्यू अपान ओ एन, एन क्यू अपान ओ एन, इसका मान होगा कॉस ए, एन क्यू अपान ओ ए, हाँ ठीक है कॉस ए, ए कोण पर आएंगे नीचे कॉस ए, और ओ एन पुनः आते हैं ओ एन अपान ओ पी, इस ट्रायंगल पर आ जाते हैं तो पुनः ये हो जाएगा साइन बी, बी कोण पर आ जाएंगे तो साइन बी पर आ जाएंगे लंब बटे कर्ण पर। तो आप देख रहे हैं साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए सॉरी
थोड़ा देखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर आपको मिलता है साइन साइन ए और कॉस बी। थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आपको मिल गया। सेकेंड, कॉस पी आर अपान एन पी, पी आर अपान एन पी, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, पी आर ये भुजा हुआ, पी आर अपान एन पी, एन पी ये ट्रायंगल है, ये लंब है आपका, तो ये हुआ इस ट्रायंगल में आधार बटे कर्ण कॉस ए, सही है। एन पी अपान ओ पी, एन पी अपान ओ पी, इस पर आ गए, बी पर आ गए आप, तो एन पी लंब बटे ओ पी, लंब बटे कर्ण साइन बी हो गया। उसके बाद एन क्यू अपान एन क्यू, एन क्यू अपान ओ एन, एन क्यू आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, लंब बटे कर्ण अर्थात साइन ए, यहां पर साइन ए ये लंब है, इसके सम्मुख लंब है और ये कर्ण है। और दूसरा ओ एन, ओ एन है आपका ये हुआ और अपान ओ पी, तो इस ट्रायंगल पे आ गए ये कॉस ओ एन, ओ आधार, आधार बटे कर्ण कॉस बी। तो आप देख रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी मिलता है, इसी को सही क्रम में लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। ये योगात्मक या एडिशन फार्मूला योग सूत्र कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी के मान को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस ए प्लस बी के मान को हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का कोण होगा कॉस ए ओ सी। फिर देखते हैं कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इस ट्रायंगल पे देखिए, पूरे ट्रायंगल पे इस ओ पी एम या ओ एम पी ट्रायंगल पर देखेंगे ओ एम बटे पी एम, ओ एम बटे पी एम, ओ एम बटे पी एम। अब इस ओ एम को, इस ओ एम को दो पार्ट में लिखिए, ओ एम को लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस एम क्यू, ओ क्यू माइनस एम क्यू, ओ क्यू माइनस एम क्यू अपान पी एम। अब देखिए एम क्यू को लिख सकते हैं आर एन, एम क्यू बराबर आर एन लिख देते हैं, तो ओ क्यू माइनस आर एन अपान पी एम, ओ क्यू माइनस आर एन अपान पी एम। और पी एम एक बार और पुनः देख लीजिए, इस ट्रायंगल में ओ एम पी पर देखेंगे, क्योंकि पूरा कोण ए प्लस बी बनता है, तो कॉस कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान ओ एम बटे पी एम, ओ एम बटे पी एम। तो ये ओ एम आधार बटे कर्ण, सॉरी ये ओ पी, सॉरी ओ पी कर्ण जो है ओ पी, यहां पर ओ पी हो गया, यहां पर ओ पी हो गया। फिर दो पार्ट में कर लिए, ओ क्यू माइनस आर एम अपान ओ पी, आर एन अपान ओ पी, इसको दो पार्ट में कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, ओ क्यू अपान ओ पी माइनस आर एन अपान ओ क्यू में कर लीजिए, और फिर दोनों पार्ट में अलग अलग, एक पार्ट में हम ओ एन, ओ एन का दोनों पक्षों में, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओ क्यू अपान ओ एन भाग दे दिए तो ये गुणा भी करेंगे, ओ एन अपान ओ पी। इसी प्रकार से आर एन के साथ यहाँ ओ एन का किया है, तो वहाँ एन पी का करेंगे, एन पी और ऊपर भी एन पी का गुणा करेंगे अपान ओ क्यू। अब पुनः देखेंगे कॉस ए प्लस बी, ओ क्यू ओ एन, पहला है ओ क्यू अपान ओ एन, ओ क्यू अपान ओ एन, तो
OQ अपान ON। तो ये इस ट्रायंगल से संबंधित है, कोण A से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, अर्थात आपका मिला cos A। फिर ON अपान OP, तो ये cos B मिलेगा, ये मिल गया आपको cos B, B कोण से संबंधित है। फिर RN अपान NP, तो लंब बटे कर्ण हुआ और इस कोण से संबंधित है, तो ये हुआ साइन ए। इसी प्रकार से NP अपान OQ, ये B कोण से संबंधित रखता है, साइन लंब बटे कर्ण साइन B हुआ। तो आप देख रहे हैं cos A प्लस B का मान cos A इंटू cos B और माइनस साइन A इंटू साइन B मिलता है। इस दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके हम tan A प्लस B का मान cot A प्लस B का मान को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हम tan A प्लस B के मान को निर्धारित करेंगे, उसी प्रकार हम cot A प्लस B के मान को निर्धारित करेंगे। तो देखते हैं tan A प्लस B के मान को। तो tan A प्लस B, tan बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। देखते हैं sin A प्लस B अपान cos A प्लस B, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब योग फार्मूला को रख दीजिए, साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी का मान कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पुनः आगे देखते हैं, अलग अलग स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, या एक काम करें कॉस ए और कॉस बी को पूरे स्टेप में भाग देते हैं हर और अंश में, कॉस ए इंटू कॉस बी को। तो चलिए कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी अपान किसका भाग देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपान कॉस ए इंटू कॉस बी अपान के रूप में लिखिए कॉस ए इंटू कॉस बी अपान कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपान कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए यहाँ पर देखिए cos B कैंसिल हो गया, यहाँ पर cos A कैंसिल हो गया, ये पर कंप्लीट राशि कैंसिल हो गया और यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ। साइन A अपान cos A ये हुआ tan A और ये हो गया साइन B अपान cos B tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। इस प्रकार से आप योग फार्मूला को tan A प्लस B के पदों को लिख सकते हो, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसी तरीके से आप cot को भी आप गणना करके लिख सकते हैं, cot A प्लस B को आप cos A प्लस B अपान sin A प्लस B के रूप में लिखिए, उसमें फिर भाग देंगे sin A sin B का भाग देंगे तो आपको मिलेंगे cot A प्लस B, cot A प्लस B का मान योग फार्मूला के रूप में हमको प्राप्त होंगे cot A इंटू cot B माइनस 1 अपान cot A प्लस cot B, cot A प्लस cot B के रूप में हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसको उल्टा कर लीजिए, cos A प्लस B अपान sin A प्लस B और पुनः उसके पश्चात sin A sin B से भाग दे दीजिए तो वो पूरा राशि आपको निकल जाएगा। तो ये सारे योग फार्मूले कहलाते हैं, इसको सभी छात्र छात्राओं को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और इस सूत्रों का इस्तेमाल करके अभ्यास प्रश्नवली के या अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला sin A प्लस B, दूसरा cos A प्लस B, तीसरा tan A प्लस B और चौथा cot A माइनस B। तो आज के इस पीरियड में इतना ही है, अगले के विषय वस्तु का अध्ययन हम अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।